नमस्कार। नेशनल ट्रस्ट के इस निरामय आरोग्य बीमा योजना के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैदेही पाटिल, जय वकील फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर मुंबई में सोशल वर्कर हूं। और ये जानकारी देने में मुझे बहुत खुशी होती है कि जय वकील फाउंडेशन ये मुंबई शहर के ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मति मंदत्व और बहुविकलांग दिव्यांग रहवासियों के लिए राष्ट्रीय न्याय समिति की एक पंजीकृत संस्था यानी कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। निरामया के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय न्याय समिति क्या है। राष्ट्रीय न्याय समिति ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के धारा 44 के अंतर्गत स्थापित हुई है, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मति मंदत्व और बहुविकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के हित के लिए काम करती है। इस पूरे सेशन में मैं नेशनल ट्रस्ट के इन्हीं चार दिव्यांग लाभार्थियों के बारे में बात करूंगी और उन्हीं के लिए दिव्यांग ये शब्द का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा निरामय आरोग्य बीमा योजना का सेशन। अभी हम जानते हैं कि निरामय आरोग्य बीमा योजना क्या है। जैसे कि हम सभी ये बात जानते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के दवाइयों पे बहुत सारे खर्चे होते हैं, कई बार पालक उसे जुटा नहीं पाते। इसलिए राष्ट्रीय न्याय समिति की निरामय ये एक ऐसी योजना है जो इन दिव्यांग लाभार्थियों के दवाइयों पे होने वाले खर्चे में लाभ देती है। इस निरामय आरोग्य बीमा योजना की कई सारी विशेषताएं हैं। उसमें से सबसे पहले है कि कोई भी आयु के, जाति धर्म के या फिर उत्पन्न गट के दिव्यांग व्यक्ति इस निरामय आरोग्य बीमा योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। इस योजना की दूसरी विशेषता ये है कि सभी आयु वर्ग के दिव्यांग लाभार्थियों के लिए बीमाकृत राशि यानी कि टोटल कवरेज अमाउंट एक समान है, जो कि सालाना 1,00,000 रूपये है। इस योजना की तीसरी विशेषता यह है कि सभी आयु वर्ग के दिव्यांग लाभार्थियों के लिए प्रीमियम का अमाउंट भी एक समान है। इन दोनों मुद्दों पे हम आगे वीडियो में और सविस्तर चर्चा करेंगे। निरामय में पंजीकरण करने से पहले दिव्यांग लाभार्थी की कोई भी विद्यमान स्थिति हो, उन सारी स्थितियों का स्वीकार किया जाता है और बीमा पूर्व कोई भी वैद्यकीय जांच की आवश्यकता नहीं होती। निरामय आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थी के रेगुलर मेडिकल चेकअप से लेके अस्पताल में दाखिल होने तक का खर्चा, थेरेपी से लेके कोई भी छोटे या फिर बड़े ऑपरेशन का खर्चा, या फिर अगर दिव्यांग लाभार्थी ने अपने किसी भी प्रकार के वैद्यकीय इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल किया है तो उसके ट्रेवलिंग का खर्चा, इन सारे खर्चों की प्रतिपूर्ति यानी कि रीएम्बर्समेंट इस निरामय आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत आप ले सकते हैं। निरामय आरोग्य बीमा योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इससे आप देश भर में कोई भी अस्पताल में अपने दिव्यांग लाभार्थी का इलाज करा सकते हैं और उन सारे खर्चों का क्लेम भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपने दिव्यांग लाभार्थी का निरामय में पंजीकरण मुंबई में किया है और मानो आपने उनका इलाज किसी और राज्य के सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में किया है तो भी आप निरामय योजना के अंतर्गत उन सारे खर्चों का क्लेम भेज सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि निरामय के 1,00,000 के कवरेज में क्या क्या आता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि निरामय आरोग्य बीमा योजना की बीमाकृत राशि हर एक दिव्यांग लाभार्थी के लिए सालाना 1,00,000 रूपये है। इसमें अंतर रुग्ण विभाग यानी कि इनपेशेंट डिपार्टमेंट और बाह्य रुग्ण विभाग यानी कि आउटपेशेंट डिपार्टमेंट दोनों भी प्रकार के वैद्यकीय खर्चों का समावेश होता है। इसमें से अंतर रुग्ण विभाग से सबसे पहले है दिव्यांग लाभार्थी के छोटे यानी कि माइनर ऑपरेशन के टोटल अमाउंट में से सालाना 15,000 रुपये, मेजर सर्जरी यानी कि कोई बड़े ऑपरेशन के लिए सालाना 40,000 रुपये, और अगर ऑपरेशन नहीं है और किसी भी कारण की वजह से दिव्यांग लाभार्थी को अस्पताल में दाखिल करवाया है तो उसके टोटल खर्चे में से सालाना 15,000 रुपये की प्रतिपूर्ति आप निरामय आरोग्य बीमा योजना के तहत ले सकते हो। ये हुआ इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि अस्पताल में दाखिल होने पर मिलने वाले भुगतान रकम का विवरण। अभी अगर दिव्यांग लाभार्थी ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अपना इलाज करा रहे हैं, उसमें उनकी सारी नियमित वैद्यकीय तपास, उनकी दवाइयाँ और अन्य किसी भी प्रकार की वैद्यकीय जांच, इन सभी अमाउंट के सालाना 12,000 रुपये। फिर अगर दिव्यांग लाभार्थी कोई भी प्रकार की थेरेपी ले रहे हो तो उसके खर्चे के टोटल अमाउंट में से सालाना 10,000 रुपये, दांत के इलाज के लिए सालाना 2,500 रुपये। अगर दिव्यांग लाभार्थी डॉक्टर ने बताए गए आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक या फिर यूनानी प्रकार से अपना इलाज करा रहे हैं तो उसके टोटल खर्चे में से सालाना 4,500 रुपये। और जैसे हमने पहले जाना है कि अगर दिव्यांग लाभार्थी अपने किसी भी वैद्यकीय इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं
तो उनके सफ़र के दौरान हुए हुए खर्चे में से सालाना 1,000 रुपये, इन सारे खर्चों की प्रतिपूर्ति आप निरामया आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत ले सकते हो। इस प्रकार से अस्पताल में दाखिल होने पर होने वाले खर्चे में से सालाना 70,000 रुपये और ओपीडी में इलाज करने वाले दिव्यांग लाभार्थी को सालाना 30,000 रुपये, यानी कि कुल मिला के सालाना 1,00,000 रुपये का लाभ हम निरामया आरोग्य बीमा योजना से ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि निरामया आरोग्य बीमा योजना के प्रीमियम का अमाउंट क्या है। निरामया बीमा योजना में नामांकन यानी कि पंजीकरण करने के लिए लाभार्थियों के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है बिलो पॉवर्टी लाइन। जो दिव्यांग लाभार्थी दारिद्र रेखा के नीचे आते हैं, यानी कि उनका सालाना पारिवारिक उत्पन्न 27,000 तक हो, उनके लिए निरामया का पंजीकरण करने के लिए प्रीमियम का पहला अमाउंट है 250 रुपये। दूसरा प्रकार है नॉन बीपीएल। जो दिव्यांग लाभार्थी दारिद्र रेखा के ऊपर वाले उत्पन्न गट में आते हैं और उनके पास नारंगी रंग या फिर सफ़ेद रंग का राशन कार्ड है, उनके लिए निरामया पंजीकरण का पहला प्रीमियम 500 रुपये का होता है। और तीसरा प्रकार है जो दिव्यांग लाभार्थी निराधार है और उनका संभाल उनके माता पिता के अलावा कोई और व्यक्ति, रिश्तेदार या संस्था कर रहे हैं, ऐसे दिव्यांग लाभार्थी के निरामया पंजीकरण के लिए कोई भी शुल्क लागू नहीं है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि निरामया कार्ड को हर साल आपको अगले साल के लिए रिन्यू करवाना है। इस निरामया कार्ड का कालावधि रहता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। तो हर साल के 31 मार्च को आपका निरामया कार्ड का कालावधि ख़त्म हो जाता है, इसलिए आपको इसे हर साल जनवरी या फरवरी में रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर ये कार्ड आपने हर साल रिन्यू नहीं किया तो आपको अगले साल वापस नया कार्ड बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये कार्ड को बिना भूले हर साल जनवरी या फरवरी में रिन्यू करवाना है। इसके रिन्यूअल के लिए भी शुल्क होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे दारिद्र रेखा के अंतर्गत रहने वाले दिव्यांग लाभार्थियों के लिए निरामया रिन्यूअल का शुल्क है सालाना 50 रुपये। जो दिव्यांग लाभार्थी नॉन बीपीएल प्रकार में आते हैं उनके लिए रिन्यूअल का शुल्क है सालाना 250 रुपये। और जो निराधार दिव्यांग लाभार्थी है जिनका संभाल उनके माता पिता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, रिश्तेदार या संस्था कर रही है, तो उनके लिए निरामया रिन्यूअल का कोई शुल्क नहीं रहता। हम जानेंगे कि निरामया में पंजीकरण करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले है दिव्यांग लाभार्थी का आधार कार्ड, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अपंगत्व प्रमाण पत्र, तीसरा दिव्यांग लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और चौथा दिव्यांग लाभार्थी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी एक पालक का ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अभी ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप निरामया के तहत जो भी क्लेम फॉर्म भेजने वाले हो, उन सारे क्लेम के पैसे आपके दिव्यांग व्यक्ति के साथ जुड़े हुए ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। इसलिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट का पासबुक ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं रिपीट करती हूँ कि आपको निरामया के पंजीकरण करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। सबसे पहले है दिव्यांग लाभार्थी का आधार कार्ड, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अपंगत्व प्रमाण पत्र, उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उनके साथ जुड़ा हुआ कोई भी एक पालक का ज्वाइंट बैंक अकाउंट का पासबुक। ये 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि हमने पहले जाना है कि अगर दिव्यांग लाभार्थी बीपीएल प्रकार में यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के प्रकार में आते हैं तो उनके पास रेशनिंग अथॉरिटी ने दिया हुआ बीपीएल कार्ड यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होना या फिर तहसीलदार ऑफिस से मिला हुआ उनका उत्पन्न प्रमाण पत्र, इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर कोई दिव्यांग लाभार्थी तीसरे प्रकार में आते हैं यानी कि जो दिव्यांग लाभार्थी निराधार है और उनका संभाल उनके माता पिता के अलावा कोई और व्यक्ति, रिश्तेदार या फिर कोई संस्था कर रही है, तो उनके पास इन दिव्यांग लाभार्थी के प्रति कानूनी पालकत्व का प्रमाण पत्र यानी कि लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना या फिर दत्तक पत्र होना, इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। जानेंगे कि आपको निरामया में पंजीकरण करने के लिए और उसके रिन्यूअल के लिए कहां पे जाना है। निरामया में पंजीकरण करने के लिए या फिर उसके रिन्यूअल के लिए आपको आपके रहिवासी क्षेत्र के राष्ट्रीय न्यास समिति अंतर्गत पंजीकृत संस्था को संपर्क करना होगा। राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट पे सारी पंजीकृत संस्थाओं की लिस्ट दी गई है। राष्ट्रीय न्यास यानी कि नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट है www.thenationaltrust.gov.in। मैं रिपीट करती हूँ www.thenationaltrust.gov.in।
अभी हम जानते हैं कि हमारा निरामया कार्ड होता कैसे है। निरामया में पंजीकरण करने पर करीबन एक महीने बाद आपका निरामया का कार्ड आता है। ये कार्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें लाभार्थी के सारे डिटेल्स यानी कि उनका नाम, पता, जन्म दिनांक, उनका हेल्थ आईडी नंबर, पॉलिसी नंबर, पंजीकरण यानी कि एप्लीकेशन आईडी नंबर, निरामया कार्ड का कालावधि और उसे रिन्यू करने का कालावधि नमूद होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आप नेशनल ट्रस्ट के वेबसाइट से खुद भी ले सकते हैं, या फिर उसके लिए आप आपके रहिवासी क्षेत्र के पंजीकृत संस्था जहाँ पे आपने निरामया का पंजीकरण किया है वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको नेशनल ट्रस्ट ने दिया हुआ क्लेम फॉर्म भरना है, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाए गए वेब लिंक पे मिल सकता है, जो कि है https://www.thenationaltrust.gov.in/upload/uploadfiles/files/claimformnew.pdf। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके ऑफलाइन भरना है और इसमें पूछी गई सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है। इसमें आपको दिव्यांग लाभार्थी का हेल्थ आईडी नंबर, जो कि आपके निरामया कार्ड पे लिखा है, और आपके दिव्यांग लाभार्थी के साथ जुड़े हुए बैंक अकाउंट के विवरण और इस अकाउंट से पंजीकृत आपका मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक नमूद करें, क्योंकि आपके क्लेम के पैसे इसी जॉइंट बैंक अकाउंट में NEFT या फिर RTGS यानी कि ऑनलाइन व्यवहार स्वरूप से आने वाले हैं। इसके बाद उस फॉर्म के साथ साथ आपको डॉक्टर का दिया गया ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर ने दी हुई दवाई या फिर कोई भी वैद्यकीय जांच की पर्ची, दवाइयों के और थेरेपी के ओरिजिनल बिल्स, अगर कोई वैद्यकीय जांच की है तो उनका ओरिजिनल रिपोर्ट, अस्पताल की डिस्चार्ज समरी, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्लेम फॉर्म के साथ साथ जोड़ने होंगे। उसी के साथ साथ दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड का जेरोक्स, निरामया कार्ड का जेरोक्स, अपंगत्व प्रमाण पत्र का जेरोक्स और उनके जॉइंट बैंक अकाउंट के पासबुक के पहले पन्ने का जेरोक्स जोड़ के इस सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना ले, और इस सेट की एक जेरोक्स कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि अगर किसी भी कारण की वजह से ये आपका सेट इंश्योरेंस कंपनी तक नहीं पहुंच पाया तो ओरिजिनल फॉर्म के साथ आपके ओरिजिनल बिल्स, रिपोर्ट्स, डॉक्टर की पर्ची सब चले जाएंगे और शायद से आपको दूसरी कॉपी भी नहीं मिल पाए। इसलिए आपके पास उनका एक जेरोक्स का सेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका जब भी क्लेम फॉर्म का पूरा सेट तैयार हो जाएगा तभी आपको वो सेट स्क्रीन पे दिए गए पते पर भेजना है, यानी कि रीजनल TPA प्राइवेट लिमिटेड, रीजनल ऑफिस मुंबई CST, यूनिट नंबर 2, ए विंग, टाइम स्क्वायर, 3rd फ्लोर, मरोड़, अंधेरी कुर्ला रोड, मुंबई 400059। उनका संपर्क क्रमांक है 02-6787-6666। ये पता मुंबई शहर के रहिवासियों के लिए है। स्क्रीन पे नीचे दिए गए वेब लिंक पे, जो कि https://www.rakshatpa.com/webportal/login/branches, इस वेब लिंक पे जाके आप अपने नज़दीकी रहिवासी क्षेत्र के बीमा कंपनी शाखा का पता जान सकते हैं और अपना क्लेम का पूरा सेट वही पते पर भेज सकते हैं। निरामया आरोग्य बीमा योजना का ये क्लेम फॉर्म है, जो आपको पिछले स्लाइड में बताए गए वेब लिंक पे मिल सकता है। इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज आप हमेशा अपने पास रखिए। अभी हम जानते हैं कि निरामया का क्लेम भेजने के बाद उसे चेक कैसे करें। भेजे हुए क्लेम का स्टेटस जानने के लिए आपको स्क्रीन पे बताए गए वेब लिंक पे जाना है, यानी कि https://www.rakshatpa.com/webportal/login/anonymous/checkclaim। वहाँ पे आपको आपका क्लेम नंबर या पंजीकरण आईडी या पॉलिसी नंबर या फिर हेल्थ आईडी नंबर नमूद करना है और तभी आपको अपना क्लेम नंबर और आपके क्लेम का पूरा स्टेटस पता चल जाएगा। आपको आपका क्लेम आईडी ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है। अगर निरामया का स्टेटस जानने में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। उनका टोल फ्री नंबर है 1800-22-0456 और उनका कैशलेस फैक्स नंबर है 02-39-16-74-11।
इस प्रकार से हमने इस पूरे सेशन में निरामया आरोग्य बीमा योजना क्या है और उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं इसकी विस्तार से जानकारी ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें अपने कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।